युवा कांग्रेस नायक राहुल जारकिहोळी यमकनमाडी विधानसभा क्षेत्र दड्डी ग्राम प्रचार रैली नडेसी मे 10 जरगलिरुव विधानसभा चुनाव अभिवृद्धि के मत नीडुव मूलक नम्म तंदेवर सतीश जारकिहोळी मत्ते आरिसि तरबेकेंदरु। कांग्रेस जनपर काजुयोंदिगे 6 ग्यारंटी घोषिसिद्दु ग्यारंटी जनसामान्यर बदुकु हसनागलिदे। इदु जनरिगे कांग्रेस नीडुव दिट्ट भरवसे। यमकनमाडी क्षेत्र प्रामाणिकवागि जनर सेवे माडुत्तिरुव सतीश जारकिहोळी क्षेत्रदल्लि अभिवृद्धिगे पणतोट्टिद्दारे। जन जननायकनागि ई क्षेत्रदल्लि मत्ते गेलबेकु, हागागि अवर मेले संपूर्ण विश्वासविट्टु अवरिगे अत्यंत अधिक मतगळिंद गेल्लिसि एंदु जनरिगे मनवि माडिकोंडरु। नमस्कार इवत उद्देश समू गए बंत मे हत कर्नाटक विधानसभा चुनाव कुंपणि मत क्षेत्र तंदे सतीश जारकिहोळी नाकने बारे स्पर्धे माता अदे सर्ति तेलू आशीर्वाद मे तम सेवे मे अवकाश मे अदर साकु अभिवृद्धि कल दड्डी ग्रामीब सतम हल्ले साकु केस इवत रोड गटरबूर व्यवस्था आगेबू गुड़ीबू समुदाय भवन इंत अनेक केस कार्य ते सतीश प्रयत्न अदल तम व्यक्ति फौंडेशन हलवर केस कार्य आगदे कोरोना संकटली कोरोना कूड़ा साकु नम हल गेस्टल स्वतंत्र गेस्टल कोरोना पेशेंट्स इतने व्यवस्था आगेबू चिकित्से आ सदर्भलीवर अदिंत अनेक समाज से केस उदाहरण दड्डी ग्राम कूड़ा साकु युवक स्पोर्ट्स आगेबू कबड्डी क्रिकेट आगेबू इंत अनेक स्पोर्ट्स आयोजन उदाहरण कूड़ा अदे अदे रीति नम मे अनुकूल आगे पुलिस आर्मी फ्री आगे कोचिंग को नम फौंडेशन को एस एस एल सी मकड़े स्टडी मेटीरियल आगेबू इंत अनेक केस समाज सेवी केस अदे तेलू बंत मे हे तपदे नावेलू कांग्रेस पक्ष के मतव हाकिकते आज दड्डी ग्राम में अपने पादयात्रा के मुखातर कांग्रेस पक्ष का प्रचार के सबको मैं धन्यवाद पहले बोलते हुए और इसी तरह से तंदे सतीश जारकिहोळी जी सागर 15 वर्षों में काफ़ी कुछ उन्होंने काम करने का प्रयास दड्डी हो गया और दड्डी के आसपास में आने वाले सभी गांव में काफ़ी कुछ विकास करने का काम उन्होंने किया है। अपने वैयक्तिक सतीश जारकिहोळी फाउंडेशन नदी से आज कोरोना हो गया फ्लड हो गया जब जब एक कठिन समय लोगों के लिए तब उनको मदद करने का काम पिताजी ने किया है। इसी तरह से कोरोना में भी हमारे अलदाड़ गेस्ट हाउस में कोरोना पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट हो गया, उनके खाने की व्यवस्था हो गया, हर व्यवस्था का उन्होंने एक इंतज़ाम उधर किया था। और आज दड्डी ग्राम में हमने भी काफ़ी कुछ स्पोर्ट्स का भी आयोजन किया, आज क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, हर स्पोर्ट्स का एक आयोजन करने का काम किया है। और उसी तरह से हमारे बाकी युवा लोगों के लिए नौकरी मिले उसके लिए पुलिस आर्मी फ्री में ट्रेनिंग देने का काम हमारे फाउंडेशन वती से चल रहा है। इसलिए ऐसा अनेक समाज से काम हमारे फाउंडेशन वती से चल रहे। आज विकास के भी मामले में आप देख सकते हैं सीसी रोड हो गया, मंदिर हो गया, समुदाय भवन और पानी की व्यवस्था हो गया, हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास होंगे सतीश जारकिहोळी उन्होंने किया है। और उसी तरह से आने वाले दिनों में कांग्रेस सरकार आना निश्चित है। आप सब भी आपने भी सभी टीवी में चैनल में सभी का किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का एक सपोर्ट आ रहा है आप सब जानते होंगे। इसलिए कांग्रेस सरकार अगर अधिकार में आती है तो हमारे लिए भी चंपौड़ी मत क्षेत्र में हमको ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान लाने के लिए एक कोशिश अच्छी तरह इजी से आसानी से हम अनुदान ला सकते हैं और आपके जो जो काम है वो जल्दी से पूरा करने का काम हम करेंगे। और जो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो अभी भी बाकी है हमारी सरकारी आने से वो बड़े प्रोजेक्ट भी करने में बहुत सारी आसानी होगी। इसलिए आप सभी कांग्रेस पार्टी को वोट देने का काम आप सब किए और इसी तरह से कांग्रेस के 5 गारंटी उन्होंने डिक्लेयर किया है। आपको भी वो गारंटी कार्ड मिले होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि कौन से
गारंटी है, हर घर को 200 यूनिट करंट फ्री हो गया, और उसी तरह से 10 केजी चावल फ्री हो गया, और उसी तरह से युवा लोगों को जिनको अभी तक नौकरी में नहीं मिला 1500 रुपये, जिनको डिप्लोमा हुआ 3000 जो ग्रेजुएट है नौकरी मिलने तक अथवा 2 साल के अवधि तक उनको उनके अकाउंट में देने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। और कांग्रेस सरकार आने के बाद गृहलक्ष्मी करके महिलाओं के लिए खास करके एक योजना है, 2000 रुपये प्रति महीने उनके अकाउंट में देने का काम कांग्रेस सरकार करेगी, क्योंकि आजकल के पेट्रोल के दाम हो गए, सिलेंडर और GST के दाम कितने बढ़ गए आप सब जानते हैं, उसके लिए 2000 रुपये प्रति महीने महिलाओं के अकाउंट में देने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। और 5वीं गारंटी देखिए, कांग्रेस सरकार जब अधिकार में आएगी तो महिलाओं के लिए बस फ्री रहेगा, 1 रुपये भी देने की आवश्यकता आपको नहीं है, महिलाएं फ्री में बस में घूम सकते हैं। और ऐसे अच्छी अच्छी योजनाएँ और आंगनवाड़ी के जो टीचर्स हैं उनको भी सैलरी ज़्यादा देने का वादा कांग्रेस सरकार ने किया है, इसलिए अनेक ऐसा अच्छी अच्छी योजना कांग्रेस पार्टी ला रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से एक किसानों के लोग और गरीब लोगों के लिए उनके साथ खड़े होने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और आगे भी करेगी। इसलिए आप सभी लोग मिलकर आने वाले 10 तारीख को 7 से 6 बजे तक पोलिंग बूथ ओपन रहेगा, तभी आप सब लोग जाके ज़्यादा से ज़्यादा क्रमसंख्या के तीसरे नंबर के बटन को आप दबाकर सतीश अर्क्यो जी और हाथ के एक चिन्ह को आप अपना अमूल्य सदा महत्व देकर आपको फिर से सतीश अर्क्यो जी को उनको जिताने का आप काम कीजिए और हमको फिर से आशीर्वाद दीजिए, ऐसा बोलते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।